ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो है, ये अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, इनका आखिरी टाइम है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती है, अपने बाप से मिलने के लिए आती है। हजरत अबू बकर कहते हैं, बेटी आयशा ये बताओ अल्लाह के नबी को कफन में कितने कपड़े दिए गए थे। माए बहने गौर करें, बाप बेटी से पूछ रहा है, बेटी अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे, क्योंकि तो बेटी इल्म वाली है, बेटी अल्लाह के नबी की सबसे चहेती और तमाम अजवाज मुतहरात में सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली बीवी है। पता चला कि औरतें भी दीन का इल्म हासिल करें, वो भी इस लायक बने कि मौका पड़े तो बाप उनसे मसला पूछे, मौका पड़े तो शौहर की ओर रहनुमाई करें। आज हमारे यहां तो सारा मामला जीरो है, औरतों की तालीम का जहां मामला आता है, दीनी तालीम का जहां मामला आता है, आप जरा नजर उठा के देखें कि क्या मेयार है हमारे माशरे का, क्या माहौल है हमारे घरों का। और सब चीजें जाने दीजिए जो औरतों के बेसिक मसाइल हैं, उनकी तहारत के मुतालिक, उनके पर्सनल मैटर्स के मुतालिक, उनके जाती मसाइल के मुतालिक भी अक्सर औरतों को जानकारी नहीं है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी है, उलमा ने किताबें लिख दी हैं, तमाम कैसेटें हैं, तकरीरें हैं, लेकिन इस्तिफादा करने की तौफीक नहीं। كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں